नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव 2023 को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आगमन आज भेल के दशहरा मैदान में होने जा रहा है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। बताया जा रहा है आज सीएम केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश तक के से नीरज द्विवेदी जी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए आपको सीधा सुनाते हैं कार्यकर्ताओं ने क्या बोला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ ही उनके पंजाब के मुख्यमंत्री का आगमन आज भोपाल के दशहरा मैदान में हो रहा है। ऐसे में अभी तैयारियां बड़े जोरों शोर चल रही है। मेरे साथ बातचीत करेंगे अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी आज भोपाल में ये भेल दशहरा मैदान में आ रहे हैं। अभी दोपहर 1 बजे के बाद उनका आगमन हो गया यहाँ पे। वो हमारे कार्यकर्ता साथियों को, समर्थक साथियों को संबोधित करेंगे। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उतरने जा रही है। और जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत से लोकतंत्र चल रहा, इसको बदल कर जनता का राज लाने का प्रयास होगा। जैसी व्यवस्था दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की है, निःशुल्क और अच्छी शिक्षा की, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं की, माताएं बहनों की यात्रा फ्री, जो बुनियादी जरूरतें हर इंसान को मिले, वैसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी हम करना चाहते हैं। और इसके लिए आम आदमी पार्टी गाँव गाँव में अपना संगठन बना रही है ताकि बदलाव जनता के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी कर सके। ये चुनाव आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लूट के खूब पैसा रखा। वो कांग्रेस के विधायक भी उसी से खरीदते हैं और बाकी चीजें भी उसी से करते हैं। तो आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि हम यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव लाएं। कितने कार्यकर्ता भी हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं? कार्यकर्ताओं की संख्या आप अभी आते जा रहे हैं, आप देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पहुँचने वाली है। और प्रदेश भर के कार्यकर्ता साथी यहाँ पहुँचेंगे, हमारे समर्थक साथी पहुँचेंगे। आज माननीय नेताजी हमारे अरविंद केजरीवाल जी का संबोधन होगा। वो गाइडलाइंस देंगे कि प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से काम करें, दिल्ली मॉडल को कैसे प्रस्तुत करें और अपने संगठन को गाँव-गाँव, शहर के मोहल्ले मोहल्ले कैसे विस्तारित करें। और जो मध्य प्रदेश चुनाव करीब है, अब आने ही वाला है, लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं है, कौन कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी वो हम सब लोग साथ हैं। और ये बड़े लेवल पे यहाँ नेताओं की ज़रूरत है, सबकी आवश्यकता है। कुछ लोग राष्ट्रीय टीम में काम करेंगे, कुछ प्रदेश टीम में काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश टीम सब मिल के एक साथ चुनाव लड़ती है, तो मध्य प्रदेश में पूरी टीम यहाँ लगेगी। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं घोटाले के आरोप। आम आदमी पार्टी की दुनिया में पहचान शिक्षा और स्वास्थ्य है, आप भी जानते होंगे। तो एक शिक्षा मंत्री हैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय सत्येंद्र जैन जी। ये जानबूझ के किया जा रहा है। इस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, डर रहे हैं ये लोग, इसलिए वो चाहते हैं इनके काम रुके। लेकिन मैं बता दूं, एक तरफ तो हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं, जो जाँच करना है जो करना है आप करिए, दूध का दूध पानी का पानी, आज नहीं कल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के काम रुकने वाले नहीं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के काम। और अरविंद केजरीवाल जी का जो ये मिशन है, ये मिशन पूरे देश में फैलेगा और हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य मिले। क्योंकि हमें, हमारा मानना है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि जो देश मजबूत होता है उसके नागरिक शिक्षित और स्वस्थ होते हैं। जनता को कैसे बताएंगे कि ये निर्दोष हैं? क्योंकि जनता के बीच में जा रहा संदेश ने कि इन्होंने घोटाला किया हो, शराब घोटाले की बात हो चाहे शिक्षा साहब, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े घमंडी हुए, रावण से लेकर तमाम तरह के लोग, भगवान को भी धरती में आके परीक्षाएं देनी पड़ी। तो हम सब लोग इंसान हैं, मनीष जी भी इंसान हैं, हम सब लोग इंसान हैं, परीक्षाएं जितनी लेनी होगी लेंगे। आप समझिए कि उनके यहाँ घर में छापे पड़ गए, उनके लॉकर में छापे पड़ गए, गांव में पड़ गए, सब जगह तो छापे डाले। सीबीआई ने कुछ मिला नहीं, सीबीआई रिमांड पे 7 दिन पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। अब अगर कुछ हो तब ना मिलेंगे वो छापे क्यों पड़ रहे हैं? छापे, अब देखिए, ये तो डराने का तरीका है कि एक तो डराने का तरीका कि ये काम रोक दो। दूसरी तरफ अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश में अडानी का मामला उठ रहा है। अडानी ने LIC का पैसा, SBI का पैसा डुबो दिया है। अब उस खबर को दबाने के लिए कुछ तो खबर उछालनी है।
इसलिए मनीष जी का मैटर हो, मनीष जी की गिरफ्तारी से लेकर परेशान करने की कोशिश है। पर आम आदमी पार्टी संविधान और कानून में विश्वास रखती है। आज नहीं कल दूध का दूध पानी होगा, दूध का ये सब चीज़ें सच्चाई सामने आएगी और मनीष जी निर्दोष हैं, सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं, ये सब जनता देश की जनता के सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल जी की टीम ईमानदार टीम। तो ये आप सुन रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे पंकज सिंह जी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रदेश तक। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।